ये मैंगो का पल्प मैंने बना लिया है और इसमें थोड़ी शुगर ऐड करी है थोड़ी सी। अब मैं इसमें डालूंगी ये अमूल गोल्ड का मिल्क, बहुत मैंने चिल कर लिया है, मिल्क ठंडा ठंडा बनेगा। मिल्क ऐड करके इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी यहाँ पर। ये हो गया है तैयार, इसको भी सर्व करूंगी ग्लासेस में। ये कटे हुए काजू इसको हम लोग ऊपर ऐड करेंगे। काजू और मैंगो शेक का कॉम्बिनेशन बहुत बेटर, बहुत अच्छा लगता है, आप जरूर ट्राई करिए विद काजू। ए जजीत, मैंगो शेक हमारा सीजन का फर्स्ट मैंगो शेक इज तैयार। ये रहा स्पून, बताइए पीके कैसा लगा? Awesome. कम मीठा रखा है मैंने, बहुत कम शुगर ऐड करी है, मैंगो ज्यादा है इसलिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि गरिमा ने खाने में क्या बनाया है। जैसे आपको ख्याल पता है आज क्या खाने बनाया है, आप किचन में आए थे। मैं बहुत बहुत ज्यादा भूखे थे। तो आज खाने में है ये रही पीला भोपड़ा, पम्पकिन की सब्जी, दही, सलाद, और ये है फाफड़ा, और साथ में है रोटी, और ये रही आपकी अजीत खाने की प्लेट। इंजॉय। और निष्ठा तो ऑलरेडी, इन्हें बेटा पापा खाना खा रहे, बेटा चलो खाना खा रहे बच्चा, चलो ओटीटी करो, चलो पापा बुला रहे, चलो आ जाओ। आज किस लगी सब्जी? अरे बहुत अच्छा, इन्हें भी उड़ गया। पूरी है चाय और यहाँ चाय को अच्छे से उबाला उबालना है तब जाके पकेगी। और ये बॉइल्ड एग है अजीत और मेरे लिए, रिदीप ने ऑलरेडी खा के गया है बॉइल्ड एग, और वो आके बनाना मिल्कशेक भी पी के गया नीचे खेलने। चाय हो गई है तैयार और ये अजीत के लिए मैंने बना लिया है बॉइल्ड एग, और हम लोग काफी दिनों बाद खा रहे हैं बॉइल्ड एग। अजीत हियर इट इज, मैं ला रही हूँ आपके लिए, और तो मेरी चाय बॉइल्ड एग के जगह पे चाय लेके जा रही थी। ये अजीत जॉय, टोस्ट चाहिए अगर आपको तो फिर आप उठ के ले लीजिए खुद से, अभी हमारी चाय होगी ठंडी हो जाएगी। हाँ इतना भी प्यार नहीं है कि चाय ठंडी कर लो अपनी। तो बच्चों को दे रही हूँ मैं रात का डिनर, ये बनाई है मैंने तुअर की दाल, इसको मिक्स कर लूँ अच्छे से। कुकर में बनाया है मैंने राइस, ये रहे निष्ठा के लिए राइस, अब डालूंगी दाल इस पे। ये रहा दाल राइस, साथ में दूंगी ये गाजर का अचार जो हमें आया है किंग्स होममेड पिकल से, एंड यहाँ पर हमको नींबू का अचार भी आया है, एंड ये है हरी मिर्ची का अचार, इसको मैंने खोला नहीं अब तक। खाएं जैसे जैसे खाएंगे वैसे वैसे हम लोग उसको ओपन करेंगे। पैकेजिंग बहुत बढ़िया है जैसे कि अचार जो है खराब नहीं होगा। मैं इसको ऐसे फ्रिज के अंदर रख दूंगी तो इसे और ज्यादा चलेगा, ये इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। सो इनका पेज मैं टैग कर रही हूँ, आप इनके पेज में जा सकते हैं, बहुत सारे डेलिकेसीज और पिकल्स और बहुत सारे कुछ घर के बने हुए चीजें हैं। निष्ठा बेटा आपके लिए मैं ये लाई हूँ, मैं खा रही हूँ का सर। So yum, very tasty। ये मैं मैंगो का पल्प बना के रखती हूँ, निकाल के रखती हूँ, तीन चार मतलब पाँच छः मैंगो का पल्प निकाल के रखती हूँ मैं, और फिर जब चाहिए होता है रात को तो इमिडिएटली बन जाता है, जिससे मैं टाइम बचता है और बनाने में आसानी होती है। एंड इसमें मैंने शुगर ऐड नहीं किया है, खाली मैंगो पल्प रखता है और ये दूध। सो अब इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी। तो आप चाहे तो फ्रेश कट मैंगो कर सकते हैं, बट मैं तो जब मैंगो आता है, जब पके हुए मैंगो होते हैं, उसको मैं कट करके पल बना के रख लेती हूँ, स्टोर कर लेती हूँ आइस बॉक्स में। मैंगो शेक इज तैयार, ये देख लिया मैंगो शेक, हियर इट इज, नाइस कोल्ड एंड चिल चिल, लाइक इट? छोटा ये लो मैंगो शेक। काजू मैं डालूंगी कट करके अजीत के इसमें ऐसे बारीक बारीक। ये रहा अजीत के लिए, एंजॉय। सो नाइस, ठंडा ठंडा, वेरी रिफ्रेशिंग मैंगो मिल्कशेक। तो यहाँ बन गई है सब्जी कबार की, एंड यहाँ मैंने आटा गूंद लिया है, ये मैंने बूंदी भिगो के निकाल ली है, अब मैं बनाऊंगी बूंदी का रायता।
ये रहा दही और ये दाल है जो मैंने बनाई थी कल रात को, तो ये दाल भी बच गई है, तो ये भी दाल खा लेंगे, दाल सब्जी हो जाएगा। देखते हैं गरिमा ने खाने में क्या बनाया है। तो आज खाने में है गवार की सब्जी, दाल है तुवर की, बूंदी का रायता है, सलाद और है रोटी, और ये है अजीत की और हृदय की खाने की प्लेट। हिस्टर को मैंने खाना दे दिया है ऑलरेडी, वो खा ही रही है खाना। अजू ये लीजिए, मैं लेकर आती हूँ चम्मच, इंजॉय। हाँ बेटा रोटी लेके आओ। अच्छा लगा खाना? अच्छी लगी खिचड़ी आपको? बहुत अच्छी लग रही है, मस्त लगी। तो ये मैंने बनाया है कच्ची कैरी का इंस्टेंट अचार, जिस खाली डाला है हल्दी नमक। ये खिचड़ी मैंने बनाई थी मूंग दाल की, और ये बची हुई है तो मैं और अजीत खाएंगे, अगर हुआ तो आज खाएंगे या फिर कल खाएंगे, डिपेंड करता है। और हृदय के लिए बना रही हूँ मैं वाटरमेलन का जूस। हृदय यहाँ पर आया है। जूस को हम लोग छान लेंगे, स्ट्रेन कर लेंगे, क्योंकि इसमें बीज भी है अच्छे से। हृदय फर्स्ट टाइम पीने वाला है वाटरमेलन जूस या? हृदय मम्मी को हेल्प कर रहा है स्टेन करने में, गुड जॉब हृदय। तो जूस निकल गया है, चलो हृदय पी के बताओ कैसा लगा जूस? नाइस, ट्राई दिस जूस, वाटरमेलन जूस बाद में। अच्छा तो बेटा अभी समर्स आ गए हैं, वाटरमेलन जूस, मैंगो शेक सब ऐसा खाना पीना है। ओके तो ये मैंने बनाया है अजीत के लिए कलिंगर वाटरमेलन का जूस, और मैंने कलिंगर को डीप फ्रीज कर दिया था, तो बहुत चिल्ड चिल्ड बनेगा, ठंडा ठंडा पीने में मज़ा आएगा रात को। तो मैं इसमें पल्प में निकाल लूँगी। अच्छा अजीत को ऐसे ही कलिंगर खाना पसंद नहीं है, क्योंकि बीज मुंह में आते हैं, इसलिए उनको जूस बना के देती हूँ तो बहुत पसंद आता है, तो ये एक रीज़न है जो उनको मैं जूस बना के देती हूँ। तो जूस छान लिया, ये बच गया है पल्प, इसे फेंक दूंगी, और ये तैयार हो गया फ्रेश वाटरमेलन जूस। हे बेबी आप क्यों नहीं खाते हो वाटरमेलन? अजू वाटरमेलन क्यों नहीं खाते हो? बीज रहता लेजी है। आज देखते हैं गरिमा ने खाने में क्या बनाया है। क्या बनाया रहते? सरप्राइज है। तो आज खाने में है दाल मखनी, ये है हृदय के लिए और ये अजीत के लिए मक्खन मार के दाल मखनी, दही बड़े है, प्याज है खाली, क्योंकि भी दाल मखनी प्याज बहुत अच्छा लगता है, रोटी है, और ये है पापड़, और ये है अजीत और हृदय के प्लेट। अजीत ये लीजिए, मैं आपके लिए दही बड़ा ला रही हूँ, और इंजॉय। बच्चों के मुंह देखो, ओहो आराम से बैठ के, कभी पढ़ाई नहीं करी होगी ऑनलाइन, इतने आराम से बैठ के लोग माइनक्राफ्ट गेम खेल रहे हैं। निष्ठा हृदय, ओ खाली एक घंटा खेलना है बस, एक घंटा। निष्ठा बेचारी ने बहुत दिनों से माइनक्राफ्ट गेम नहीं खेलती, मैंने कहा था जब समर वैकेशन शुरू होगा तो रोज एक घंटा खेल सकते हैं, एंड देखो एक दिन वेस्ट नहीं किया, वो खेलना शुरू कर दिया इन्होंने। Thank you.